देखिए आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो आज तक आपने पढ़ा हाउ वी ऐड वेक्टर्स, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। तो हमने दो लॉज पढ़े थे, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जहां पे हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी, जिसका मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ए बिकॉज़ ऑफ तो वो एडिशन है, वी कंबाइन टू वेक्टर्स यूजिंग द लॉज ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो नाउ देयर इज वन मोर पार्ट ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ठीक सर, ये आम मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जिस तरह हम स्केलर्स को मल्टीपल करते हैं। सपोज हम 2 इंटू 3 लिखते हैं 6 या 3 इंटू 4 लिखते हैं 12। ठीक है, तो ये आम मल्टीप्लिकेशन है मैथमेटिक्स की, बट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कुछ डिफरेंट हिसाब से किया जाता है। ठीक है, जिस तरह वेक्टर का एडिशन आपने देखा, सपोज अगर आप स्केलर्स को एड करते हो, सपोज देयर इज अ मास ऑफ 2 kg एंड देयर इज अ मास ऑफ 3 kg, व्हेन वी ऐड द टू वी राइट 2 + 3, हाउ मच इज दैट, ये स्केलर का एडिशन होता है। बट वेक्टर का एडिशन आपने देखा, देयर इज डिफरेंट एडिशन। जैसे आप एक वेक्टर सपोज देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 meter, ठीक है, फिर यहां जाके देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 meter, पढ़ा है ना? और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो यहां से निकलता है रिजल्ट, ठीक है, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर्स को डिफरेंट अंदाज में हम ऐड करते हैं, इसी तरह वेक्टर्स को हम डिफरेंट वेज में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आगे, तो वो कंसेप्ट है आज का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, हाउ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। ठीक है, तो पहला जो कंसेप्ट मैं यहां पे लिखता हूं, अगर मैं एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा क्या। देखिए, इफ आई विल मल्टीप्लाई ए स्केलर एंड ए वेक्टर, व्हाट विल बी द रिजल्ट, वेक्टर और स्केलर, आप बोलो मुझे। अगर एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, कन्फर्म वेक्टर, गुड, इट विल बी ए वेक्टर। स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा। तो यहां समझ के गुड, मैं एक्सप्लेन करता हूं यूजिंग एन एग्जांपल। देखिए, सपोज हमारे पास एक बॉडी है, एक ब्लॉक है, इसका मास एम है। ठीक है, सपोज एक ब्लॉक है, इसका मास स्केलर है कि वेक्टर, मास स्केलर, गुड। सपोज अगर इस मास में कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है, से देयर इज सम एक्सेलरेशन ए इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज शोन हियर, ए सम वैल्यू, ओके, तो देयर इज मास, देयर इज सम एक्सेलरेशन, मास स्केलर है, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर। अगर मैं मास और एक्सेलरेशन को मल्टीपल करूं, दिस इज स्केलर इनटू वेक्टर, मास स्केलर, एक्सेलरेशन क्या है, और अगर आप यहां देखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, फोर्स स्केलर है कि वेक्टर, सो दैट मींस अगर एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट व्हाट, एक वेक्टर मिलेगा। जैसे एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, समझ रहे हो? सो बाय टेकिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एंड ए वेक्टर यू विल ऑलवेज गेट व्हिच क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, समझ रहे हो? एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर मिलेगा। जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी है, मास इनटू एक्सेलरेशन यू आर गेटिंग फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बट फोर्स क्या है कि वेक्टर, मींस मल्टीप्लाइंग ऑफ स्केलर एंड ए वेक्टर विल ऑलवेज गिव अस अ वेक्टर। ये को आप एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं। देखिए, स्केलर को एक सिंपल मैग्नीट्यूड है, चाहे कितना, सपोज अगर मैं लेता हूं देयर इज अ वेक्टर ए, देयर इज अ वेक्टर ए, और ए का कुछ वैल्यू होगा, सपोज हम लिख सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, इवन इन अ वेक्टर ऑफ ए इज 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये वेक्टर है, समझ रहे हो? ये को ax, ये को ay, क्या को ij k, क्या असंश दे आर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, चाहे कितना। सो अगर ये वेक्टर है, अगर बात करता हूं स्केलर क्वांटिटी मल्टीपल में, क्या कैसे वेक्टर, जैसे मास को एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई किया मुझे एक वेक्टर मिला। अब मेरे पास सपोज कोई वेक्टर ए है, इसका वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k, अगर मैं सब इसको किसी स्केलर के साथ मल्टीपल करूं, सपोज बनियन का कंपोनेंट x इक्वल टू 4 एक स्केलर पॉइंट है, समझ रहे हो, स्केलर क्वांटिटी है, बजन कर दिया फोर एक्स इंटू ए, एक्स स्केलर, ए क्या है, अगर अमन दोनों मल्टीपल कर एक्स क्या वैल्यू, और क्या वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 4, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 2s आर क्या गो, ये गो 8i, 4 इनटू 3 क्या गो, ये गो 12j, 4 इनटू 4 क्या गो, तो ये वेक्टर मिला कि स्केलर मिला,
That means by multiplying a scalar with a vector quantity, you will always get a vector quantity. समझ रहे हो? तो ये एक तरह का multiplication है, जहाँ पे हम एक scalar को vector के साथ multiply करते हैं. एक scalar को vector के साथ multiply करोगे, तो एक vector ही मिलेगा. समझ रहे हो? तो जैसे mass को acceleration के साथ multiply किया, you are getting force. Mass scalar है, acceleration vector है. Scalar into vector, you are getting a vector quantity. जैसे एक और example, एक vector A है, इसको 4 के साथ मल्टीपल करेंगे. 4 एक स्केलर 1 है. स्केलर इनटू वेक्टर, यू आर अगेन गेटिंग अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है. समझ रहे हो? जहां पे स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीपल करते हैं और हमें क्या मिलता है? एक वेक्टर क्वांटिटी. ये पहला पॉइंट. समझ रहे हो? स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीपल तो क्या मिलेगा? वेक्टर. ठीक है, तो एक स्केलर का वेक्टर के साथ वेक्टर ही मिलता है फिर प्रोडक्ट में. ठीक है, तो अगर आप सेकंड पॉइंट बोलोगे, देखो अगर एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीपल करोगे तो क्या मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? वेक्टर है. व्हाट डू यू थिंक? वेक्टर. अगर एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीपल करोगे तो हमें क्या मिला? वेक्टर. जो भी देखा. अब अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीपल करोगे तो क्या मिलेगा? वेक्टर है, स्केलर है. कुछ लोग बोलते हैं स्केलर, कुछ लोग बोलते हैं, बट द आंसर इज इट कैन बी वेक्टर एज वेल एज स्केलर. ये दोनों हो सकते हैं. समझ रहे हो? सो बाय मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर, बाय मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर विद दैट ऑफ ए वेक्टर, आवर रिजल्ट कैन बी ईदर स्केलर और ए वेक्टर. तो समझ, बाय मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर विद अनदर वेक्टर, रिजल्ट कैन बी स्केलर एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन द केस. नजर रखो, देखिए अगर इस दोनों वेक्टर करो तो पॉइंट मल्टीप्लाई. नजर रखना, एक पॉइंट समझना जरूरी है. अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई उस तरह से हुआ है सो दैट हमें रिजल्ट मिलता है क्या? दिल में जिसके नॉट प्रोडक्ट, वो एक टाइप है प्रोडक्ट का. मीन्स जब दो वेक्टर्स को उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट आवर रिजल्ट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, यू कैन कॉल दिस प्रोडक्ट एज अ स्केलर प्रोडक्ट. एंड जब हम दो वेक्टर्स को उस तरह मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट आवर रिजल्ट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी, यू कैन कॉल दिस वेरी प्रोडक्ट एज ए वेक्टर प्रोडक्ट. तो दो प्रोडक्ट से हमें पढ़ते हैं. एक प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट. याद रखो, वन इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट. तो याद रखो. उधर इस आग एग्जांपल, अगर एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज वेक्टर मिलेगा. बट अगर एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास दोनों ऑप्शंस बन सकते हैं. यू कैन गेट अ स्केलर एज वेल एज ए, तो स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है. इसके अंदर स्केलर मेल है, दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई करते अगर स्केलर मेल इस वन होता प्रोडक्ट क्या, दैट विल बी कॉल्ड एज स्केलर. और अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक वेक्टर मिलता है तो हमें क्या बोल सकते हैं उसको? वी कैन कॉल दैट एज ए वेक्टर प्रोडक्ट. समझे हो? बात हुई. नजर रखो, आई विल गिव यू एग्जांपल्स. वर्क पड़ा है, वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. क्या है? अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हो, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. वर्क स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर. गुड. फोर्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? दैट मीन्स ये जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर्स है. अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीपल करके अगर आपको वर्क मिलता है क्या? स्केलर. तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है? स्केलर प्रोडक्ट. समझ रहे हो? तो मतलब को अगर वो वर्क कुछ वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ये दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट होता है. नजर रखो, एम एक वेक्टर है जिसको हम फोर्स बोलते हैं और दूसरा वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और अगर पूछो ये किस तरह से रिप्रेजेंट करना, ये स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीच में लेके डॉट. समझ रहे हो? तो एफ डॉट एस जो यहां पे मिल रहा है, एफ इज ए वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड एज फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, इन दो का अगर वेक्टर प्रोडक्ट लेकिन स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? एक स्केलर क्वांटिटी. जल्दी आ जाओ. तो मतलब को इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, यू विल ऑलवेज गेट अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क क्या है? स्केलर. फोर्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर. ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है. और ये कौन सा प्रोडक्ट है? इसको एक और नाम भी बोल सकते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज बीच में क्या है? डॉट. तब बना चाहिए, ब्याह ना होता क्या? डॉट प्रोडक्ट. समझ रहे हो?
सो अगर दो वेक्टर इसका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हमें ऑलवेज मिलेगा एक स्केलर क्वांटिटी, वर्क इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ एक और एग्जांपल भी हमारे पास है, पावर। पावर आपने पढ़ा होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और क्या कहना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। और पावर की भी एक इक्वेशन होती है, इट इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मगर पावर क्या है, पावर इज अ स्केलर। मींस पी जो है इट कैन बी रिटन एज एफ डॉट वी। मींस ये जो प्रोडक्ट है पी इक्वल एफ डॉट वी या डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट एस, ये प्रोडक्ट हमारे पास कौन से होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट और वी कैन कॉल दिस एज डॉट कैश बना, बिकॉज यहां वेक्टर के बीच में क्या मिलता है, डॉट। जब तो दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे ना, नजर को मेरे तरफ इसको जाने दो, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं हमें ऑलवेज क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। इफ दिस इज द प्रोडक्ट यू कैन कॉल दिस प्रोडक्ट एज अ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। समझ रहे हो? दिमाग मतलब को अगर इस बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट, हमें दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट्स है, एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, दूसरे को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट का राइज। इसके लिए दोनों वेक्टर का स्मिथ पॉइंट मल्टीप्लाई सो दैट वी विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी। अगर दोनों दोनों वेक्टर हो प्रोडक्ट अगर मेरे में सिंगुलर क्वालिटी, वी कैन कॉल द प्रोडक्ट एज अ सिंगुलर प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल हमारे पास है फोर्स वेक्टर क्वालिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वालिटी, इन दो वेक्टर्स का हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया, सिंगुलर। ओके, वी आर गेटिंग व्हिच क्वालिटी, स्केलर क्वालिटी। समझ रहे हो? पावर एक स्केलर क्वालिटी है, फोर्स वेक्टर क्वालिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वालिटी है, इन दो का डॉट लेके हमें क्या मिला, स्केलर पावर। पावर इज ऑलवेज अ स्केलर क्वालिटी। समझ रहे हो? तो मतलब को पहला प्रोडक्ट जो है सिंगुलर प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं अगर दो वेक्टर को हम उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट आवर रिजल्ट विल बी ए सिंगुलर, देन वी कैन कॉल दिस प्रोडक्ट एज ए सिंगुलर प्रोडक्ट। पेयर्स वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर कर दिस पॉइंट मल्टीप्लाई योर रिजल्ट इज व्हाट, दिल बोलो का प्रोडक्ट इज क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। एक एग्जांपल हमारे पास है, आज तक आपने देखा नहीं होगा बट क्लास 11th में ही पढ़ोगे, टॉर्क एक क्वांटिटी होती है, टॉर्क। ठीक सर, टॉर्क, टॉर्क की अगर बात करोगे, देखो टॉर्क दो फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ के बनता है, और कैसे जोड़ के, उनका प्रोडक्ट लेके, एक फोर्स, याद रखो एक फोर्स, और दूसरा यहां पे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, टॉर्क जो है इसको आप टाउ से रिप्रेजेंट करते हो, टाउ, और डिस्टेंस ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक सर, और अगर यमन दोनों और क्या उस बीच में, डॉट। स्केलर को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बट वेक्टर को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्रॉस है इस बीच में, ये इंटरिम, अगर कुछ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप उसको ये नहीं बोलोगे कि ये ए इंटू बी है, ये कॉमन मैथमेटिक्स नहीं है, इट इज सिंपली वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये को ए क्रॉस बी, अगर इन पर कुछ ए डॉट बी, ये को सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और ये स्केलर। टॉर्क भी एक फिजिकल क्वांटिटी है बट ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इट इज एफ क्रॉस आर, आर डिस्प्लेसमेंट हम यहां पे लेते हैं, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, मींस अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे उस तरह से so that your result is a vector quantity, you can call this product as a vector. इसको एक और नाम भी बोलते हैं, called as cross product, याद रखिए। Cross क्या चीज़ है? Because यहाँ दो vectors के बीच में क्या मिलता है? Cross. समझ रहे हो? तो याद रखो। Now let me start the first product, जिसको हम बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आपको पहले ही समझ में आया है that मैंने पहले ही आपकी इमेज बनाई है, स्केलर प्रोडक्ट कब बनता है, जब हम दो वेक्टर्स का डॉट लेते हैं, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग डॉट प्रोडक्ट हमें मिलेगा स्केलर, उसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, सपोज अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, सपोज दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, एंड सपोज देयर इज वन मोर वेक्टर, दैट इज वेक्टर बी। याद रखो, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर क्या है, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, वन इज वेक्टर ए एंड सेकंड इज वेक्टर बी, सपोज देयर टेल्स आर जॉइंट, टेल चाहते हैं, तो ये देयर टेल्स आर जॉइंट एंड दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा विद ईच अदर। सपोज टू वेक्टर्स आर देयर,
दिस कैन बी फोर्स वेक्टर, दिस कैन बी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी वेक्टर। हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ए एंड बी दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा विद ईच अदर बिकॉज़ देयर टेल्स आर जॉइंट। ठीक सर, यू नो वेक्टर के पास ये जो है ये हेड ऑफ वेक्टर होता है और ये क्या होता है टेल ऑफ ए वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो देयर टेल्स आर जॉइंट, दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा। सपोज वेक्टर ए एंड बी आर मेकिंग सम एंगल थीटा विद ईच अदर। ओके, देन जो डॉट प्रोडक्ट होता है, याद रखो डॉट प्रोडक्ट हमको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर को ए डॉट बी से। ठीक सर, तब अगर ए तो बी आसन बनावन की एंगल विद ईच अदर, ए एंड बी दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा विद ईच अदर, देन ए का स्केलर प्रोडक्ट जो होगा ए डॉट बी, बोलते हैं ये किसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स। याद रखो ए डॉट बी मैं वो रोहित है, अगर मैं सिक्योर प्रोडक्ट कर मैं भी सिक्योर क्वालिटी चाहे कितना, जैसे मैंने वो लिया इट इज प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दो वेक्टर्स का डॉट लिया मुझे मिला वर्क एज ए स्केलर क्वालिटी। ऐसे ही ए एंड बी दो वेक्टर्स है, ए एंड बी दो वेक्टर्स है, ये किसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। सपोज अगर ए सोर्स मैग्नीट्यूड यूज फोर्स से फोर्स वेक्टर यूज 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, चाहे कितना ये क्या मैग्नीट्यूड 5। ठीक सर, तो मतलब कोई ए एस या इसका नंबर इट कैन बी 5 से, बी एस या इसका नंबर से 2, और ये जो कोसाइन ऑफ एंगल है या थीटा सपोज देयर इज सम एंगल 30 डिग्री या cos 60 डिग्री, समझ रहे हो, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos ऑफ एंगल, और ये जो cos ऑफ एंगल थीटा इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, समझ रहे हो। और बोले इसकी डायरेक्शन कहां से होगी, कैसा डायरेक्शन, किस प्रकार डायरेक्शन, ये स्केलर क्वांटिटी है इसका कोई डायरेक्शन नहीं बनेगा बिकॉज स्केलर के पास सिंपल क्या होगा, अगर आप ए डॉट बी लोगे ना आपको सिंपल कोई नंबर मिलेगा एंड नंबर इज नॉट ए वेक्टर, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, उसके पास सिंपल क्या होता है, क्यों मतलब वो ए डॉट बी जो है इट इज मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये कोई वेक्टर नहीं मिल रहा है तो वो बनते थे, अगर वो डॉट नेम में क्या मिला स्केलर, यस ऑलवेज ऑफ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर को सिर्फ या ओनली क्या है मैग्नीट्यूड, क्यों मतलब को ये मिले ऑलवेज का नंबर। नजर रखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हम बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, एंड दिस इज कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो ए डॉट बी जो है, याद रखो ए डॉट बी जो है ये होता है किसके बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा, समझ रहे हो, ए डॉट बी से बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा। नजर नजर रखो पहले, सपोज देयर इज अ बॉडी शायद कितना एंड दिस बॉडी इज लाइंग ऑन ए सरफेस एज शोन हियर, इस बॉडी का कुछ मास है। ठीक सर, अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता हूं, देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, से देयर इज अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है सर, बॉडी डिस्प्लेस, ये यहां से यहां डिस्प्लेस होके यहां पहुंच जाएगी ये बॉडी शायद कितना, और सपोज बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन द बॉडी विल डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये क्या डिस्प्लेसमेंट कवर, सपोज डिस्प्लेसमेंट इज अ मीटर से, कहते अगर मैंने यहां पे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया ये बॉडी के डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसका वैल्यू क्या है 2 मीटर, समझ रहे हो, और बोथ आर वेक्टर्स, फोर्स भी वेक्टर क्वालिटी है डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वालिटी है, समझ रहे हो, और यहां डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर आसन एक्सी डायरेक्शन में, एंगल क्या आसन 0 डिग्री, गुड। तो अगर आप यहां की बात करोगे, अगर ये वर्क डर आए वर्क स्केलर के वेक्टर वर्क को बराबर एफ डॉट एस, वर्क बराबर एफ डॉट एफ को फोर्स का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड कितना है यहां पे 2, ये को एक्सपर्ट बराबर नजर को इतना ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, एफ डॉट एस को बराबर एफ एस कॉस ऑफ, वेयर एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, S is the magnitude of S vector, cos theta, theta से angle between force है, यहां दो vector एक ही direction में है, तो angle क्या बनेगा 0 degree, force का value क्या है बोलो 2, displacement का magnitude क्या है 2, and cos, what is angle here 0, 2 2 sir, को जागो 4, and cos 0 is, cos 0 को 1, cos 0 को 1, 2 2 sir, क्या को 4,
कहा जीरो क्या गो वन, अगर कहा जीरो को वन फोर वन हजार क्या गो यू छू तगा दस गो फोर वन हजार फोर मीनस वन त्रा बराबर फोर यूनिट क्या गो जू और फोर से स्केलर के वेक्टर फोर सिंपल स्केलर है दैट मीन्स हमें दो वेक्टर का अगर डॉट लेते हैं ना हमें सिंपल एक नंबर मिलता है और नंबर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो सिंपली क्या है स्केलर क्वांटिटी एंड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी कॉल एज व्हाट अ स्केलर प्रोडक्ट समझ रहे हो तो याद रखो इफ वी हैव टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेकिंग सम एंगल थीटा विद ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स ओके मैग्नीट्यूड ऑफ ए को सिंपली ए का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स ए बी का मैग्नीट्यूड बी एंड कॉस ऑफ एंगल थीटा इनके दरमियान क्या है जैसे एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वर्क का इसको बॉडी में फोर्स अप्लाई जन न्यूटन बॉडी के अपर डिस्प्लेस ओके देयर आर टू वेक्टर्स ऑफ फोर्स अपर डिस्प्लेसमेंट अपर दे आर सिमिलर वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन एंगल इनके दरमियान क्या बनता है जीरो फोर्स के बदले टू न्यूटन डिस्प्लेसमेंट के बदले टू मीटर टू टू जार गो फोर कॉस जीरो गो वन फोर वन हजार गो क्यों मतलब को दोनों वेक्टर कौन इस प्रोडक्ट यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर नहीं के सॉरी स्केलर प्रोडक्ट हमें मिला क्या स्केलर क्वांटिटी सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी कॉल है स्केलर और है डॉट प्रोडक्ट समझ रहे हो तो याद रखो ए डॉट बी किसके बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा समझ रहे हो नोट करो ये पॉइंट पे अब हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ विच प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं क्लियर सॉफ्ट अब हम पढ़ेंगे होता है वो ने सिंपल कंसेप्ट मैंने ये बोला ए डॉट बी अगर ए तो बी जो वेक्टर चाहे ना इनके दरमियान ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है इनके दरमियान एंगल क्या है थीटा और इनका डॉट किसके बराबर होता है ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल सिंपल ए बी कॉस ऑफ अब जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं ये कॉस कहां से आया ठीक है नजर रखो सपोज मेरे पास यही दो वैक्टर है एक वैक्टर क्या है वैक्टर ए चाहे ना एक वेक्टर वेक्टर ए है और हमारे पास दूसरा वेक्टर क्या है वेक्टर सपोज वी हैव टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड देयर टेल्स आर जॉइंड हियर दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा विद ईच अदर तो इतना का बोलो ठीक है ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी एंड देयर इज सम एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स ठीक है अगर बुबन देखिए अगर वेक्टर बी बिकॉज थोड़ा रिपीट थोड़ा ये ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है फॉर्मूल है ये एक्स डायरेक्शन ये वाई डायरेक्शन तो ये ओरिजिन अगर ये वेक्टर ए उस ये बन करा इस रिजोल्व दोनों में ये पर उस बना हुआ एंगल थीटा विद एक्स याद है ये वाला कंपोनेंट कौन था ए कॉस थीटा चाहे कितना ये उस ए कॉस और ये वाला कंपोनेंट कौन था ए साइन ऑफ थीटा दिस इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ऐसे ही देखो अगर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा विद ईच अदर ठीक है यहां से लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस पे वर्तन फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर ठीक है सपोज अगर यह एक्स एक्सिस ये क्या बने चाहे पर एक्स कंपोनेंट यह है और जिसके साथ एंगल थीटा बनाता है वो कंपोनेंट कॉस होता है कि साइन तो अगर मैं इस वेक्टर बी का ये वाला कंपोनेंट ले लूं ये क्या बनेगा कॉस कंपोनेंट इसका ना वेक्टर ए से बना ये कंपोनेंट ए कॉस थीटा ऐसे ही वेक्टर बी का ये कंपोनेंट क्या बनेगा बी कॉस थीटा मीन्स यपर के आज आ कंपोनेंट साइज बी कॉस थीटा ऑफ वेक्टर बी तो समझ रहे हो अगर मैं ए डॉट बी उस यपर ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट या इस बराबर ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू जो असल पॉइंट ये बी कॉस ऑफ थीटा तो चाहे हम समझ देखो ए डॉट बी अगर बकर ए डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड ये जो ब्रैकेट में है बी कॉस थीटा ये जो वेक्टर बी सिंगुलर कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए अच्छा कि ना देखिए मैं उन्हें ये वेक्टर ए है ये इसका एक कंपोनेंट है ये दूसरा कंपोनेंट है ये पर कॉस कंपोनेंट ये पर क्या है सपोज ये वेक्टर बी है चाहे कि ना
بہتراو اتھ پرپینڈیکولر یتھ ویکٹر اے پٮ۪ٹھ یہِ ہسا یہِ ٹھیک تہٕ یپٲرۍ اگر ویکٹر بی چھُ یہِ آسہِ ساین کمپونیٹ یہِ کیاہ آسہِ cos component agar main dot product lu along this very direction so it's always a dot b in doka product a dot b yes magnitude of a multiplied by this b cos theta because ye b cos theta jo hai ye is vector ka scalar component hai kahan se a ki direction mein समझ रहे क्यों मतलब वो a dot b से बराबर a into b cos theta या इसी को हम बोलते हैं a b cos of ये गो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट मीन्स ये जो आपको कॉस मिलता है असल में डेफिनेशन जो है स्केलर प्रोडक्ट की याद रखो ये क्या है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद अनदर वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ए का मैग्नीट्यूड एंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए this a into b cos theta we call this as a b cos theta ya isi ko hum bolte hain dot or scalar product aur yes always whose quantity scalar ka vector yes always scalar but samasya hai iske paas only kya rahega there will be no direction of this very product samasya hai this type of product we call as scalar product samasya hai to yaad rakho a dot b kiske barabar hota hai a into b cos theta ठीक है a डॉट b किसके बराबर होता है a इनटू देखो a इज वेक्टर a मैग्नीट्यूड और यू सी b कॉस रैपर्स ये इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a अगर भवन देखो अगर भवन b डॉट a इज b मैग्नीट्यूड था कि मैं बेस स्केलर कंपोनेंट ऑफ a साइज a cos थीटा तो जगह बोल इतना a dot b से बराबर a into b cos theta इतने पर को b dot a बराबर b into a cos b रिप्रेजेंट करा शे मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर और a cos theta शे रिप्रेजेंट करा स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a मगर इका पर है इतना हम द डायरेक्शन ऑफ b समझ रहे हो नजर रखो पहले a dot b इस मंच वाला मैग्नीट्यूड ऑफ a into स्केलर कंपोनेंट ऑफ b b का स्केलर कंपोनेंट यहां से है ठीक है अगर से b dot a हो नजर रखो b dot a में हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ b सुबो b into a cos theta ये जो a cos theta है ये इसका स्केलर कंपोनेंट है a का स्केलर कंपोनेंट बट ये किस डायरेक्शन में होगा वेक्टर b की डायरेक्शन में तो मतलब को a dot b को बराबर a into b cos theta इसको a b cos theta बराबर या b dot a को बराबर b into a cos theta सुई को b a cos theta सुई को ना a b cos theta बराबर b a cos theta या a b cos is one and the same तो मतलब को यूज a dot b या इसमें always बराबर b dot a तो तय तक का बोल a dot b अगर बना शुरू a b cos theta b dot a को बराबर b a cos इसको ना a b cos theta इसको ना 2 into 3 ये को ना बराबर 3 into 2 at last क्या मना math word mathematics वाले जानते होंगे this law is called as commutative law गुड इधर के ज्यादा था जो डॉट प्रोडक्ट होता है इट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव लॉ याद रखिए ये इसकी प्रॉपर्टी बनती है बिकॉज देखिए a डॉट b को बराबर a b cos theta b डॉट a के बराबर a b cos theta दे आर इक्वल a डॉट b इक्वल टू b डॉट a दिस रिप्रेजेंट्स दैट डॉट प्रोडक्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है दैट डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज ओबेस कॉम्यूटेटिव लॉ ठीक है इसका ना 2 into 3 से बराबर 3 into इसका ना a into b से बराबर b into a ठीक है ऐसे यहां पे a dot b किसके बराबर होगा b dot a दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी वी कॉल एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है तो डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज ओबेस कॉम्यूटेटिव ये इसकी प्रॉपर्टी बनती है ठीक है तो a dot b हो या इट इज a b cos theta a dot b से स्केलर के वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ठीक है आज मेरा स्केलर के वेक्टर स्केलर ऑलवेज ठीक है गुड कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट नोट कीजिए ये पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर एंड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या क्या प्रॉपर्टी है अभी आपने एक देखा a डॉट b किसके भी बराबर निकला b डॉट a डॉट b हमें किसके बराबर आया b डॉट ये अभी आपने देखा तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन सकती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ रहे हो तो पहला जो पॉइंट आप लिख सकते हो द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट
ऑलवेज ओबेज कमेटेटुल्ला, ऑलवेज ओबेज कमेटेटुल्ला। ये कौन सा लॉ ओबे करता है? कमेटेटुल्ला। कमेटेटुल्ला क्या बोलता है रखो, दैट इज यू ए डॉट बी आई, ये किसके बराबर होगा? बी डॉट ए, शाबाश। तो कमेटेटुल्ला मीन्स ए डॉट बी बराबर का बी डॉट ए, नजर रखो। नाउ नजर रखो पहले ए डॉट बी की अगर बात करोगे, पहले देखो मेरी तरफ नजर रखो, पहले ए डॉट बी की अगर बात करोगे, ए डॉट बी चाह था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी से गुणा बी कॉस थीटा, ए डॉट बी ने बराबर लिखा ए बी कॉस ऑफ। ऑल्सो अगर बी डॉट ए, बी डॉट ए इको के मैग्नीट्यूड बी इंटू क्या ए कॉस ऑफ सुगो बी ए कॉस ऑफ दगा बोझ बी ए कॉस लिख लिखो बराबर ए बी कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बी कॉस थीटा है ना। जो ए डॉट बी है ये किसके बराबर आया? ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए। दिस प्रॉपर्टी वी कॉल एज विच प्रॉपर्टी? कॉमेटेटिव है ना। डॉट और सिंगुलर प्रोडक्ट ऑलवेज ओबेज कॉमेटेटिव लॉ, गेट इट? ये पहला पॉइंट आप नोट कीजिए। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ए डॉट बी किसके बराबर होता है? बी डॉट। दिस प्रॉपर्टी वी कॉल एज कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? तो लेट अस गो फॉर वन मोर, नजर रखो। देखिए एक और प्रॉपर्टी यहां पे बनती है, पहले मेरी तरफ देखो ये लिखा आपने, तो एक और प्रॉपर्टी मैं यहां पे नोट करता हूं। देखो दबन द डॉट प्रोडक्ट, दबन द डॉट प्रोडक्ट अब वेक्टर, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ अपने साथ ही, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स द स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, गिव्स द स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। नजर को बाद में लिखोगे, देखिए मेरी तरफ है। अब ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए मीन्स डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज ओबेज विच लॉ? कॉमेटेटिव लॉ। इधर से बस बस कॉमेटेटिव लॉ। सो डॉट प्रॉपर्टी इज डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का डॉट विद इटसेल्फ अपने साथ, तब ये करा प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूसेस स्केलर स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मीन्स अगर ए का ए के साथ मल्टीपल करोगे डॉट करोगे तो मिलेगा ए स्केयर, बी का बी के साथ करोगे तो मिलेगा बी स्केयर। हम के पॉइंट दैट इज ए डॉट ए, ए एक वेक्टर है उसका डॉट अपने साथ, अगर ए डॉट बी से बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट ए गुना बराबर ए ए कॉस ऑफ थीटा। अच्छा कितना ये सिमिलर सपोजिशन वेक्टर ए, नजर ये एक वेक्टर है अपने साथ ही ए इसी वेक्टर के साथ, इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा? जीरो डिग्री। तो टू सिमिलर वेक्टर्स विल हैव ऑलवेज एंगल है जीरो डिग्री। अगर ए डॉट ए लिखोगे लिखो ए ए कॉस थीटा, ए क्या हो ए और एंगल क्या है यहाँ पे सुगो ए स्क्वायर कॉस जीरो इज वन, तो ए स्क्वायर इंटू वन मांगो वन लिखो ए स्क्वायर बराबर, ठीक सर? तो मतलब को ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, समझ रहे हो? मीन्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इट्स ए डॉट ए पूरा पांच सेट, तो अगर पांच सेट करस मल्टीपल इनस बन ए स्क्वायर, ए डॉट ए बन ए इन हुकिन से कर ए इनटू ए, ये ऐसे नहीं है, ये वाला क्या है? ये वेक्टर प्रोडक्ट है, समझ रहे हो? ए इनटू ए नहीं बट ए डॉट ए प्रोड्यूसेस ए स्क्वायर, समझ रहे हो? अगर मैं सपोज इधर पॉइंट है सिमिलरली, अगर मैं आख वेक्टर एस आर ब्या का एस आर, यह क्या है वैल्यू बराबर आर स्क्वायर डॉट, अगर मैं बी डॉट बी एस यह क्या है बराबर, अगर मैं बी डॉट बी यह क्या है बराबर, बिकॉज टू सिमिलर वेक्टर्स व्हेन यू विल टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स यू विल ऑलवेज गेट द स्केयर ऑफ इट इज मैग्नीट्यूड। ए डॉट ए इज ए स्केयर, आर डॉट आर इज आर स्केयर, बी डॉट बी इज बी स्केयर, बी डॉट बी इज, ये भी एक प्रॉपर्टी बनती है किसकी? सिक्योर और डॉट प्रोडक्ट की, मीन्स द डॉट और सिक्योर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ ऑलवेज गिव्स द स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है? आज के लिए इतना काफी।